हाय गाइस, वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजू। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको टेंस चार्ट, यानी कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको टेंस बताए थे, टेंस पढ़ाए थे, सारे टेंस मैं पढ़ा चुका हूं आपको। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिएगा। तो इस एक वीडियो में मैं सारे टेंसों को कवर करने वाला हूं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सारे नियम, उनकी पहचान और उनकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे आप टेंस बनाते हो आसान तरीके से आप बना पाओगे। तो इस पूरी वीडियो में इस सारे टेंसों को मैं अभी कवर करने वाला हूँ मात्र 10 मिनट में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको टेंस बनाने सीखने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोज में मैंने बताया था कि टेंस टाइम का पर्यायवाची है, टेंस 3 टाइप के होते हैं और उनके चार चार टाइप और होते हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में हम टेंस को काल या समय कहते हैं और टेंस या काल जो होते हैं वो 3 टाइप के हैं अपने। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस भूतकाल होता है, फ्यूचर टेंस भविष्य काल होता है। क्लियर। इन तीनों के ही चार टाइप हैं, यानी कि चार प्रकार और हैं इसके, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से टोटल चार चार मिलाकर के तीनों को जोड़ करके ये 12 प्रकार के टेंस कहलाते हैं। तो इस वीडियो में मैं अब आपको बताता हूँ इन टेंसों को आसानी से कैसे बनाओगे और इनके नियम और इनकी पहचान क्या है। सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव, वो पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, केवल हम इसकी पहचान और इनके जो बनाने के नियम हैं उसमें क्या यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, ता है, ते है या ती है, यानी कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता है, ते है या ती है। जैसे राम स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है, वह खाना खाता है, वह रोता है, सोता है, तो क्या आ रहा है हिंदी वाक्यों के अंत में, ता है, ती है। यानी कि जहां पर भी ता है, ती है, ते है इस प्रकार से आ जाए वाक्य में तो समझ लेना वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस जोड़ दे दें, और अगर बहुवचन है तो एस या यस नहीं जोड़ते हैं। और जब वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो यहाँ पर क्या यूज होता है, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू का या डज का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। क्लियर। यानी कि यदि बहुवचन है तो हम डू का यूज करेंगे और अगर एक वचन है अपना करता तो यूज करेंगे हम डज का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर कभी नहीं का वाक्य आ जाता है नेगेटिव में तो उसके लगे हम क्या लगाते हैं, डू डज को छोड़ करके नेवर का यूज करते हैं, और यदि एक वचन है करता तो उसमें एस ई एस का यूज कर देते हैं। क्लियर है। जैसे ये एग्जाम्पल ले लीजिए, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं होगा, नेगेटिव और इंटरगेटिव में होगा। क्लियर। तो ही गो जाता की क्या हो गई, गो, ई एस क्यों लगी, क्योंकि एक वचन है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर यह हो जाता वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या हो जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल, या हो जाता मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो स्कूल या आई गो टू स्कूल, तो यस नहीं लगती, और हो जाता मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है। एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट का यूज हो जाएगा नेगेटिव और इंटरगेटिव में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पास्ट की, यानी कि भूतकाल की। तो इसकी क्या पहचान होगी, या ही, ता था, या ती थे, ते थे, ये सभी किसकी पहचान हो गई, पास्ट इनडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट में क्या था, है, और इसमें आ जाता है थे या था या थी। क्लियर। तो इसमें जो एफर्मेटिव सेंटेंस है अपना उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और नेगेटिव और इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। बात समझ में आ गई। एफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी,
और जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो उसमें हम अपनी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, वह स्कूल चला गया तो यहाँ क्या होगा, वह स्कूल चला गया, ही वेंट टू स्कूल, यानी कि ये वर्ब की कौन सी आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, ही वेंट टू स्कूल। अगर यहाँ हो जाए वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया है तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, या वह स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। बात समझ में आई यहां तक। नेक्स्ट आता है अपना फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। तो इसकी क्या पहचान होती है, गा गी गे, क्या पहचान है, गा गी गे। जैसे वह खाना खाएगा, वह गाना गाएगा, वह रोएगा, वह हंसेगा, वह खेलेगा, तो अंत में वाक्यों के गा गी गे आ जाता है, तो वहां समझ लेना फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। क्लियर, ये पहचान हुई इसकी। अब इसको बनाते कैसे हैं, जैसे एक वचन है यानी कि ही सी, कोई भी एक वचन है करता अपना, तो यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल का। और अगर बहुवचन है तो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हम सेल का, और सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब जिसको याद ना हो पहले वर्ब याद कर ले, वर्ब की क्या क्रियाएं होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आई एन जी, इस प्रकार से पहले वर्ब को याद करें, ठीक है। तो जैसे अब यह एग्जांपल ले लिया हमने, वह स्कूल जाएगा, यहाँ वह स्कूल जाता है, वह स्कूल चला गया, अब वह स्कूल जाएगा यानी कि भविष्य में वह स्कूल जाएगा, तो इसका कैसे बनेगा, ही विल गो टू स्कूल। विल क्यों लगी, क्योंकि ये एक वचन है। अगर यहां हो जाए हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल, लेकिन फ्यूचर टेंस में आजकल जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें शैल का यूज खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये पुराने टाइप पर ही चल रहे हैं सभी। लेकिन नेक्स्ट जो आने वाली ग्रामर होगी भविष्य में आपकी, उसमें सेल का यूज खत्म कर दिया गया है, आप आई वी यू सेल यानी एक वचन बहुवचन सभी के साथ में विल का यूज कर सकते हो, सेल को छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम पुरानी ग्रामर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पर ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, क्योंकि वह एक वचन है, तो विल अगर हम होता या आई होता या वी होता तो क्या हो जाता, सेल हो जाता है यहाँ पर, क्लियर है। ये इंडेफिनिट हो गया, क्लियर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस की। अब नेक्स्ट आ गया अपना कंटीन्यूअस टेंस, ठीक, ये इंडेफिनिट हो गया। तो कंटीन्यूअस टेंस की यानी कि प्रेजेंट के कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रही है। जिस वाक्य के अंत में, जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रही है, वह नहा रहा है, वह गा रहा है, तो जहां पर भी रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो वहां समझ लिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ये कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें सहायक क्रियाएं इज, एम या आर, तीन सहायक क्रियाएं हैं इसमें, उनका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आई एन जी जुड़ जाती है फर्स्ट फॉर्म में। तो अब इज कहां लगती है, एम कहां लगती है, आर कहां लगती है, मैं थोड़ा बता देता हूं। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, और एक वचन कर्ताओं के साथ हमेशा इज का यूज होता है, और बहुवचन कर्ताओं के साथ हमेशा आर का यूज होगा इसमें। बात समझ में आ गई, जैसे एग्जांपल, वह स्कूल जा रहा है तो क्या होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, गो में आई एन जी जुड़ गई, और इज क्यों आ गया, क्योंकि यह एक वचन है। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं हो जाता तो आई एम गोइंग टू स्कूल, या हम स्कूल जा रहे हैं तो क्या हो जाता, वी आर गोइंग टू स्कूल, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, इसकी पहचान क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें रहा है, रही है, यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्लियर। इसमें क्या है, यूज क्या होता है, वाच का और वर का, और वर भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सारे टेंसों में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, केवल इनकी पहचान याद होनी चाहिए और इनकी सहायक क्रियाएं, केवल दो चीजें देख लेना, बाकी किसी टेंस में कुछ नहीं है, सभी का वही स्ट्रक्चर है अपना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वही रहता है, केवल इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और कुछ नहीं चेंज होता है। जैसे आप यहां देख पा रहे हो क्या चेंज होते जा रहे हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है सभी में, और पहचान इनकी अलग है केवल। बात समझ आई, तो बात कर रहे थे हम रहा था, रही थी, रहे थे कंटीन्यूअस टेंस की। तो यहां अगर एक वचन है करता तो यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब वाच, क्लियर, यहां पर आई एक वचन मानी जाती है, आई के साथ ही वाच रहता है, ध्यान रखना। और अगर बहुवचन करता है तो यूज करेंगे हम वर का, और वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी सभी के साथ यूज होती है। जैसे वह स्कूल जा रहा था
तो ही वाज गोइंग टू स्कूल एक वचन था, तो इसलिए यहां पर वाज आ गया। अगर हो जाता हम स्कूल जा रहे थे तो यहां हो जाता वी वर गोइंग टू स्कूल, वी के साथ वर आ जाती। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसकी क्या पहचान है, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ये किसकी पहचान होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें क्या यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब सेल का या विल का प्लस बी का यूज करते हैं, सेल बी या विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, जैसे सब में लग रही है वही लगाना इसमें। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ वह स्कूल जा रहा होगा, यानी कि एक वचन है तो विल बी, या बहुवचन है तो सेल भी लगेगा, तो वह स्कूल जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि एक वचन है तो यहाँ यूज हो गया विल बी। अगर हो जाता हम स्कूल जा रहे होंगे तो वी सेल बी गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं हम परफेक्ट की। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो पहचान क्या है इसकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, या ये है, आदि शब्द आते हैं। बनाते कैसे है इसको, यदि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, और यदि बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव लगेगी, और सभी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बात समझ में आई, एक वचन है तो हैज, और बहुवचन है तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगनी है। बात समझ में आई, जैसा एग्जांपल वह स्कूल जा चुका है, यानी कि वह स्कूल जा चुका है तो क्या बनेगा, ये ही हैज गॉन टू स्कूल, एक वचन है तो हैज लग गई, और जाने की गो की हो गई यहां पर गॉन, यहां थी क्या गो, और यहां हो गई अपनी गॉन, यानी कि थर्ड फॉर्म गॉन होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ही हैज गॉन टू स्कूल। अगर हो जाता है यहां पर हम स्कूल जा चुके हैं तो वी हैव गॉन टू स्कूल हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की, इसकी क्या पहचान है, चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, और इसमें क्या लगती है अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल वह स्कूल जा चुका था, मैं एक ही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि इसको आप आसानी से समझ जाओ, अगर मैं अलग अलग तरह के एग्जांपल लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल का इसमें पूरे स्ट्रक्चर में यूज किया है आपको समझाने के लिए। तो जैसे यहां पर वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, यानी कि हैड आ गई हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन, टू स्कूल, सभी के साथ में एक वचन बहुवचन के साथ में हैड का यूज होना है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो इसकी क्या पहचान है, चुका है, यानी सॉरी चुका, चुकी, चुके होंगे, ये सभी इसकी पहचान है, चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, ये पहचान हो गई इसकी। इसके बाद इसमें क्या लगता है, सेल या विल प्लस हैव, यानी कि सेल हैव या विल हैव का यूज होगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई। अगर यहां हो जाता हम स्कूल जा चुके होंगे तो वी सेल हैव गॉन टू स्कूल हो जाता। बात समझ में आई यहां तक आपके, एक वचन है तो विल हैव, और बहुवचन है तो सेल हैव का यूज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ में होगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसकी क्या पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि आप कहोगे ये तो कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान थी, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज बढ़ जाती है, क्या, समय, कार्य के करने का समय दिया होता है। रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, जैसे कंटिन्यूअस में था, लेकिन इसमें समय की वजह से टेंस हमारा बढ़ा दिया गया है, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर कंटिन्यूअस की समय की वजह से इसको हमने जोड़ा है यहाँ पर। क्लियर। तो इसमें क्या लगना है अपना, तो सहायक क्रिया हैज या हैव का यूज होना है, प्लस इसमें बीन और बढ़ जाएगी आपकी, जैसे यहां पर हैज या हैव का यूज हुआ था तो यहां पर हैज बीन या हैव बीन हो जाएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी जैसे कंटिन्यूअस में लगी थी वही यहां पर रहेगी, और यहां पर टाइम के लिए सिंस या फोर का यूज कर देते हैं टाइम से पहले। अब सिंस का कहां, फोर का कहां यूज होता है, अगर समय निश्चित है, अगर समय निश्चित है तो सिंस का यूज करते हैं, और अगर समय अनिश्चित है तो हम फोर का यूज करते हैं। निश्चित कैसे, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी 2005-2010, कोई भी सन हो तो इस 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो ये सभी अपने निश्चित समय होते हैं,
अनिश्चित समय 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 महीने से, कई दिनों से, यानी कि जो अनिश्चित है, कोई पता नहीं है, वो अपना अनिश्चित के लिए फूड का और निश्चित के लिए सेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर, वह सुबह से स्कूल जा रहा है, तो सुबह दिन में एक ही बार होती है, तो ये निश्चित हुआ। तो यहाँ पर ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, यानी कि हैज बीन, क्योंकि एक वचन था, हैज बीन आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, गोइंग टू स्कूल। और सिंस क्यों आ गया, क्योंकि निश्चित है और मॉर्निंग समय है, समय से पहले सिंस या फोर का यूज प्लस टाइम, तो सिंस निश्चित के साथ मॉर्निंग, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसकी क्या पहचान है, वही रहा था, रही थी, जो आपकी कंटिन्यूअस में थी, लेकिन यहां भी क्या हो गया, समय बढ़ गया। सभी के नियम कानून सेम ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर आएगा आपको हर टेंस में, बाकी ऐसा कोई खास नहीं है इसमें परिवर्तन। तो यहां पर बनाएंगे क्या इसको, हम हैड बीन के साथ में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, हैड बीन, यहां पर हैड थी, यहां पर हैड बीन हो जाएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही रहनी है, क्लियर। और सिंस के या फोर प्लस टाइम, जैसे प्रेजेंट में था, क्लियर। तो सेंटेंस ले लीजिए, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था, वह 2 दिन से, तो निश्चित है, निश्चित है, अनिश्चित है, कौन से 2 दिन है, आई डोंट नो। तो यहां पर कैसे बनेगा, ही हैड बीन, यानी कि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई, गोइंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई, टू स्कूल फोर, टू डेज फोर क्यों आ गया, क्योंकि ये अनिश्चित समय है, अगर निश्चित होता तो सिंस, अनिश्चित है, कौन से 2 दिन है, आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं मालूम, तो यहां पर हमने फोर का यूज कर दिया टाइम से पहले, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसकी भी वही पहचान है जो कंटिन्यूअस में है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, केवल क्या बढ़ जाता है, इसमें भी समय बढ़ जाता है कार्य करने का, क्लियर। तो इसमें सहायक क्रिया क्या हुआ, यहां पर सेल विल है, ये यूज हुई थी, यहां पर सेल विल के साथ में, हैव के साथ में बीन और जुड़ जाती है, यानी कि सेल हैव बीन या विल हैव बीन हो जाती है, वही एक वचन में विल हैव बीन और बहुवचन में सेल हैव बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वही आईएनजी रहनी है, सिंस या फोर प्लस टाइम, क्लियर। जैसे वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, क्योंकि ये भी अनिश्चित है, तो यहां पर भी हमने फोर का यूज किया। अगर बहुवचन होता तो सेल हैव बीन का यूज हो जाता, निश्चित समय होता तो सिंस का यूज हो जाता। बात समझ में आई यहां तक आपके? तो इस प्रकार से ये तीनों टेंसों के चारों पार्ट मैंने इन एग्जांपल के माध्यम से, इन स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस फॉर्मूला के द्वारा, इस चार्ट के द्वारा मैंने आपको समझाए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप आसानी से सारे टेंस को, सारे सेंटेंस को बना पाओगे। इस वीडियो को देखते समय आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप कॉपी पर इसको आराम से उतार सको। ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।